విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం జనం కురు, రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి దిశో జహి. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత, అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణరామోదరం వాసుదేవం హరిం, శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం, జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే. కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణ శ్రీపతి వాసుదేవాజిత శ్రీనిధి, అచ్యుతానంత హే మాధవాభోక్షజ కారకనాయక ద్రౌపదీ రక్షక. రాక్షసక్షోభితః సీతయా శోభితో దండకారణ్యభూ పుణ్యతాకారణః, లక్ష్మణేనాన్వితో వానరైః సేవితో గస్త్య సంపూజితో రాఘవః పాతు మాం. అచ్యుతశాష్టకం యః పఠేదిష్టదం ప్రేమతః ప్రత్యహం పురుషః సస్ప్రియం వృత్తతః సుందరం కర్తృవిశ్వంభరః, తస్య వశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరం. भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करने वाले इस श्रेष्ठ विष्णु पुराण को स्वयं ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों को सुनाया था, जो कली के पापों का नाश करने वाले इस पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वो प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है. आचार्य मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण आई हूँ. कल्याण हो पुत्री, मैं बहुत दूर से आपकी कीर्ति सुनकर आई हूँ, मुझे अभागिन पर दया कीजिए, मेरे पति को दृष्टिदान दीजिए. मैं भगवान विष्णु का एक तुच्छ दास हूँ, तुम्हारे पति को दृष्टिदान कैसे दे सकता हूँ? आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मैं बड़ी आशा ली आपके पास आई हूँ. प्रभु सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान ये सब क्या है? मैंने अपनी कठोर तपस्या के बल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके देवराज इंद्र से भी बढ़कर शक्ति प्राप्त कर ली है. अब यह गंधर्व लोक देवलोक से अधिक शक्तिशाली और संपन्न बन जाए, तीनों लोकों में मेरे बल और ऐश्वर्य के गुण गाए जाए. महाराज गंधर्वराज की जय. माधवी माधवी, तुम्हारे लिए ही मैंने यह कठोर तप किया है. ब्रह्मा जी के वरदान से
आज तीनों लोकों में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मैं चाहूं तो स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर सकता हूं। अब तो तुम्हें मुझे अपना पति स्वीकार करना ही होगा। गंधर्वराज, आप स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मेरे मन पर नहीं। मेरे लिए तो माँ गौरी जो पति निश्चित करेंगी वही मेरा पति होगा, कोई दूसरा नहीं। मुझसे बढ़कर तुम्हारे योग्य पति माँ गौरी को कहाँ दिखाई देगा? कठोर तपस्या की आग में भी आपका अहंकार नहीं जला? नारायण नारायण। जिसने ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से जीत लिया वो एक गंधर्व कन्या को नहीं जीत सका। देखते जाइए। नारायण नारायण। माँ गौरी, तुम ही कुमारी कन्याओं का हित करने वाली हो, उनकी भावनाओं को समझती हो। बताओ माँ, मेरे पति कौन होंगे? माधवी, कौशल नरेश धर्म केतु सब तरह से तुम्हारे योग्य हैं, तुम उसे ही अपना पति स्वीकार कर लो। मेरी प्रीत है जन्म जन्म से मेरा मन
शूद्र मानव से प्रेम करने लगी है। नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। माधवी, तुम गंधर्व कन्या हो, एक साधारण मनुष्य को अपने पति के रूप में स्वीकार कर इस गंधर्व लोक के सभी सुखों से वंचित हो रही हो। मुझे चिंता नहीं। पृथ्वी के मानव की दुर्बलता, दुख और निराशा तुम्हारे जीवन को असह्य बना देंगे। सोचो माधवी, कहां गंधर्व लोक के सुख और कहां पृथ्वी के दुख। सुख दुख तो जीवन का चक्र है अंबुज, जो भाग्य में लिखा होगा उसे कोई कैसे मिटा सकता है। मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूं, अपना कल्याण चाहती हो तो उस मानव को भूल जाओ। ये अपमान माधवी, मैं तुम्हारा जीवन असह्य बना दूंगा, मैं तुम दोनों को रास्ते का भिखारी बना दूंगा। इस राज्य की सीमा से कहीं बाहर चले जाओ, चलो। ये कैसा दुर्भाग्य, हमें हमारे ही देश से निर्वासित किया जा रहा है। मैं युद्ध भूमि में मर क्यों नहीं गया स्वामी? धिक्कार है मेरे जीवन पर। शांत हो स्वामी, शांत हो, विश्वास रखिए, ये दुर्भाग्य के दिन भी बीत जाएंगे। ये दुर्भाग्य के दिन अब इस धर्म केतु के मृत्यु के पश्चात ही बीतेंगे। गंधर्व राज। हाँ माधवी, देख लिया मेरी शक्ति का प्रभाव? तुम समझती थी एक शूद्र मानव से विवाह करके तुम सुखी रह सकोगी, पर मेरे एक ही संकेत पर शत्रु ने तुम्हारे पति के ऐश्वर्य को मिट्टी में मिला दिया। अंबुज, तुमने गंधर्व पद को कलंकित कर दिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा माधवी, अभी तुम मेरी बनना स्वीकार कर लो, फिर तुम्हें पग पग पर ठोकरे नहीं खानी पड़ेगी। भूल जाओ इस शूद्र मानव को। नहीं, कभी नहीं। नीच पापी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शूद्र मानव, मैं तेरे जीवन को अंधकारमय बना दूंगा। माधवी, माधवी मेरी आंखें। स्वामी, मेरी आंखें। स्वामी, स्वामी, क्या हो गया आपको? माधवी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, क्या मुझे हो गया? कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभु सच्चिदानंद, अब मैं क्या करूं? पुत्री, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूं जो तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट कर देगा। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर उस श्रेष्ठ विष्णु पुराण का श्रवण करो जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने सुनाया था। तुम्हारे लिए विष्णु लीला का श्रवण ही जीवन को सुखी बनाने का एकमात्र उपाय है। तुम बैठो, आज मैं तुम्हें भगवान के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा सुनाता हूं। विष्णु एक है भक्तों के हित, रूप अनेक धरे, केशव कृपा सिंधु करुणामय,
जय जगदीश हरे, गावो रे गुण गावो हरि के, जो दुख दूर करे हरे, गावो रे गुण गावो हरि के, जो दुख दूर करे हरे, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे। एक दिवस स्वयंभू मुनि तर्पण करते थे जल में, एक नन्ही सी मीन तभी आई उनकी अंजलि में। और वो मछली बोली, रक्षा कीजिए, मुझे जल में न फेंकिए, जल के भयानक जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। दया धर्म का मूल समझकर मनु ने दया दिखाई, पर छोटी सी मीन ने अपनी देह तुरंत बढ़ाई। चली मापने महासिंधु में है कितनी गहराई, जल में होने लगी प्रलय। जल में होने लगी प्रलय, एक नौका पड़ी दिखाई। और फिर सप्तर्षियों और संसार के सारे बीजों को लेकर मनु महाराज उसी नाव में बैठ गए। फिर प्रगटी वह मीन, उसी की सिंह से बांधी नैया, उसकी नाव कभी न डूबे जिसके प्रभु है किवैया। मधुकई जब अजेय दैत्यों को इसी मत्स्य ने मारा, रचा जग सारा। हरि मुरारी मधु कैट भारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जल के महाप्रलय में जो हरि मत्स्य स्वरूप धरे, वही प्रभु दुख के सागर से सबको पार करे। विष्णु पुराण सुने जो कोई, वो भव सिंधु तरे, केशव कृपा सिंधु करुणा में, जय जगदीश हरे। गावो रे गुण गावो हरि के, जो दुख दूर करे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे, गाओ रे गुण गाओ हरि के, जो दुख दूर करे हरे, जय जगदीश हरे। जय प्रभु, जय सच्चिदानंद। कल मैं तुम्हें विष्णु भगवान के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा सुनाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर फेंक दूंगा जहां तुम्हें विष्णु की लीला सुनाने वाला ही कोई न होगा। नारायण नारायण, फिर भूल कर रहे हो गंधर्वराज। सृष्टि का कण कण पत्ता पत्ता उस दयामय प्रभु की लीला सुना रहा, फिर तुम माधवी को कथा सुनने से कैसे रोक सकते हो। नारद जी, ब्रह्मा जी के वरदान से मैं तीनों लोकों में जो चाहूं कर सकता हूं। देव दानव मनुष्य कोई भी मेरी शक्ति के सामने नहीं दिख सकती, फिर माधवी और उसकी पति के क्या गिनती। गंधर्व राज, मुझे तुम्हारी बातों में शक्ति से अधिक अहंकार दिखता है, और तुम तो जानते हो अहंकार का सिर नीचा होता है। नारायण नारायण, मेरा सिर कभी नीचा नहीं होगा, सिर नीचा होगा मुझे क्रोधित करने वाले। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो गंधर्व राज? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे कृष्ण को की तरह लटका दिया है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। राज, याद रखो सबका समय आता है। नारायण नारायण नारायण।
अरे बचाओ बचाओ, अब तो तुम ही बचा सकते हो मुझे। क्यों नारद जी, अब तो पता चला मेरी शक्ति का। पता चला, अच्छी तरह पता चला। जाओ माधवी और उसके पति को उठाकर ऐसे निर्जन प्रदेश में फेंक दो जहां उन्हें हरि की कथा सुनाने वाला ही कोई ना मिले। जो आज्ञा। मुझे बहुत प्यास लगी, कहीं पानी दिखाई देता है? नहीं स्वामी। क्या हुआ? नारायण नारायण नारायण। भगवान आई आई मुनिवर, यूं टेढ़े होकर क्यों चल रहे हैं? आपसे कौन सी बात छिपी है अंतर्यामी? मैंने गंधर्वराज अंबुज को समझाना चाहा कि वह सती से टक्कर न ले, सती की शक्ति से टकराएगा तो नष्ट हो जाएगा, पर उसने अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। भगवान नारायण नारायण। आप किस सती की बात कर रहे हैं? नारायण, सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहने का ढंग तो कोई आपसे सीखे। भगवान आप इस प्रकार निश्चिंत है कि माधवी के दुख का आपको पता ही नहीं। नारायण नारायण। पर हाँ, इसमें आपका भी क्या दोष, आप तो इस क्षीर सागर में आनंद से हैं ना, आपको किसी के दुख का पता चले भी तो कैसे? और क्यों आपको यूं गंभीर देखकर तो मुनिवर लगता है बात सचमुच ही गंभीर है। बात माधवी के लिए गंभीर है, प्रभु के लिए नहीं। वो बेचारी विष्णु पुराण की कथा नहीं सुन सकती तो ये उसका दुर्भाग्य, प्रभु को इससे क्या। नारायण नारायण। नारद जी, मुझे माधवी के दुखों का ज्ञान है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? जगत के पालन करता सर्वशक्तिमान श्री हरि कुछ नहीं कर सकते? नारायण नारायण। मैं भी अपने ही बनाए हुए नियमों से बंधा हूँ नारद जी। मैंने भी भिन्न भिन्न अवतारों में क्या क्या सुख दुख नहीं भोगे। नारद जी, सृष्टि कर्म से बंधी है, मैं कर्म से बंधा हूँ। देव दैत्य मानव सभी कर्मों से बंधे हैं। कर्म ही सुख देता है, कर्म ही दुख देता है। पर भगवान, माधवी ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे उसे ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है? उसे तो स्वयं भगवती गौरी का आशीर्वाद प्राप्त है, फिर उसकी ये अवस्था क्यों? देवी, यही प्रश्न इस समय देवी पार्वती भी शिव जी से कर रही है। प्रभु, इस गंधर्व कन्या ने मेरे ही कहने पर धर्म केतु को पति रूप में वरण किया, यह एक आदर्श सती है, फिर इस पर ऐसे भयंकर संकट क्यों पड़ रहे हैं? पर्वत नंदिनी, मनुष्य हो या देवता, सभी अपने पूर्व कर्मों से बंधे हुए हैं। इस राजा धर्म केतु ने अपने पूर्व जन्म में माधवी के प्रेम के कारण एक विष्णु भक्त का अपमान किया और हरि कथा सुने बिना ही माधवी से मिलने चला गया। उसके इसी अपराध का फल उसे मिल रहा है। जब तक ये दोनों मिलकर विष्णु पुराण की कथा नहीं सुन लेते, इनके दुख कभी दूर नहीं होंगे। पानी माधवी, पानी। प्रभु, अब मैं क्या करूं? पानी के बिना मेरे प्राण चले जाएंगे। मुझसे माधवी का दुख देखा नहीं जाता, मैं इन दोनों को यूं भूखा प्यासा भटकता नहीं देख सकती।
स्वामी पानी पानी स्वामी कैसा आश्चर्य, भगवान की कृपा से इस सूखे प्रदेश में भी हरियाली छा गई। स्वामी भोजन, स्वामी बैठिए। स्वामी लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। तुम भी खाओ माधवी। नहीं स्वामी, जब तक मैं भगवान के अगले अवतार की कथा नहीं सुनूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रभु, आपको सत्य की बात रखनी ही होगी, किसी न किसी प्रकार से उसे विष्णु पुराण की कथा सुनानी ही होगी। उमा, विष्णु का नाम मुझे भी प्रिय है, माधवी के हट को पूरा करने के लिए मैं उसे हरि कथा अवश्य सुनाऊंगा। मेरे माथे पर लगा हुआ यह चंद्र समुद्र मंथन से अपने जन्म की कथा स्वयं कहेगा। प्रणाम चंद्रदेव। कल्याण हो। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। मैं भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु लीला सुनाने आया हूं। आओ बैठो। मैं तुम्हें भगवान के पूर्व अवतार की कथा सुनाता हूं। यह संसार अपार सिंधु हम सब हैं तिनके, यह संसार अपार सिंधु हम सब हैं तिनके, वही उतरते पार प्रभु आधार है जिनके। यह संसार अपार सिंधु हम सब हैं तिनके। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवता और दानव समुद्र मंथन के लिए उद्यत हुए। नागवासुकी रज्जु मंदरा चल है मथानी, लिया पूछ देवों ने हन राक्षस अभिमानी। कूर्म बने हरि गिर के नीचे जल में बैठे, और स्वयं ही उस पर्वत के ऊपर बैठे। होने लगी सिंधु मंथन से जल में हलचल, करे असंभव को संभव प्रभु लगे न एक पल। सर्वप्रथम लहरों पे करल हलाहल आया, कालकूट ज्वाला से हर प्राणी घबराया। सबके हित में विष पीना शंकर को भाया, इस कारण ही महादेव पद शिव ने पाया। नीलकंठ हर महादेव जय जय शिव शंभो। निकला शशि शिव शीश पे उसने शोभा पाई, सदा सुसंगति में ही रहती कीर्ति समाई। कामधेनु जिसको ऋषियों ने पाया, कल्प वृक्ष निकला तो नंदन वन हर्षाया। निकली वारुणी साथ अप्सराएं भी आई,
सुरा सुंदरी दोनों मिल मादकता लाई। निकली कमला कमल पर मगन हुआ संसार, लक्ष्मी नारायण मिले गूंज जय जयकार। धन्वंतरि हाथों में अमृत कलश उठाए, महासिंधु से निकले जल के ऊपर आए। देव और दानव झपटे अमृत पाने को, विष्णु बने मोहिनी समस्या सुलझाने को। थिरक थिरक कर हरि ने मोहित किया सभी को, पर जो थे देवता वहां भी सुधा उन्हीं को। राह अमृत पीने को आया, चल न सका उसका छल हरि ने चक्र चलाया। कटा राहु का शीश सुदर्शन चक्र से क्षण में, जो भी जैसा करे भरे वैसा जीवन में। कच्छक भगवान की जय। देवों के हित सागर में जो कच्छप रूप धरे, वही प्रभु दुख के सागर से सबको पार करे। विष्णु पुराण सुने जो कोई वो भव सिंधु तरे, केशव कृपा सिंधु करुणामय जय जगदीश हरे। गाओ रे गुण गाओ हरि के, जो दुख दूर करे हरे। जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे। गंधर्वराज, लगता है शिवजी की शक्ति तुम्हारी शक्ति से कुछ बढ़कर ही। नारद जी, क्रोधित क्यों होते हो? यह भी संभव है कि शिवजी को तुम्हारी शक्ति का पता न हो, नहीं तो वे माधवी और धर्म केतु को अपनी दया की छाया में खड़ा भी नहीं कर। और फिर वो चंद्रमा, वो भी तुम्हारी शक्ति से परिचित नहीं है, तभी तो हरि कथा सुना रहा है। नारायण नारायण, ये चंद्रमा भी मेरे क्रोध से नहीं बच सकेगा। मैं अभी उसके नाश का साधन पैदा करता हूं। राहु राहु प्रकट हो राहु। राहु, यही समय है जब तुम चंद्रमा से अपने बैर का पता ले। जाओ, उस मूर्ख को निगल जाओ। जो आ गया, मैं उस चंद्रमा को निगल जाऊंगा। निगल जाऊंगा। क्यों नारद जी, अब तो आपने देख लिया, आपका चंद्र भी मेरी शक्ति से भयभीत होकर शिव जी की जटा में जा छुपा। नारायण नारायण। स्वामी। माधवी, अब मुझसे और अधिक नहीं चला जाता। तुम किस आशा में यूं भटकते फिर रही हो? संसार के किसी भी कोने में जाओ, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। फिर तुम क्यों इतने कष्ट सहन कर रही हो माधवी? स्वामी, मेरे कारण ही आप पर यह आपत्ति आई है। मैं कठोर से कठोर व्रत करके आपकी खोई हुई दृष्टि वापस लाऊंगी। तुम गंधर्व कन्या हो, मुझे भूल जाओ माधवी, मुझे भूल नहीं, जाओ। नहीं स्वामी, नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत उसी समय हो जाएगा। ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। चलिए आइए स्वामी,
आप यहाँ विश्राम कीजिए। आप कुछ दिन यहाँ बैठिए। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ माता, विष्णु लीला सुनने में प्रभु के भक्त को पग पग पर विघ्न आए, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। आज अंभोज के कारण माधवी ऐसे निर्जन प्रदेश में भटक रही है जहाँ उसे विष्णु लीला सुनाने वाला कोई मिल ही नहीं सकता। आपके होते हुए भी आप स्वयं ही माधवी को हरि कथा क्यों नहीं सुना देते? यदि यह काम स्वयं नारद जी कर देंगे तो हमें उलाना देने का आनंद इन्हें कैसे प्राप्त होगा? नहीं भगवान, नहीं। आप तो जानते हैं इस ब्रह्मचारी का सारा समय आपकी महिमा का गुणगान करने में जाता है। नाम स्मरण से बढ़कर मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं। पर माधवी का दुख देखकर मैं इतना व्याकुल हो उठा कि मुझे यह बात सूझी नहीं कि मैं उसे विष्णु लीला स्वयं सुनाऊं। धन्य माता, प्रणाम भगवान, मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए जा रहा हूं। नारायण 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 नारायण। देवर्षि प्रणाम हो। माधवी, तुम्हारी श्रद्धा श्लाघ्य है, तुम धन्य हो। देवर्षि, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए। आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें विष्णु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। अवश्य अवश्य, मुझे भी विष्णु नाम स्मरण अति प्रिय है। मैं तुम्हें भगवान विष्णु की कथा सुनाता हूँ। चाहे चंद्रमा से ज्वाला झरे, चाहे सूर्य से शीतलता जग पावे, किंतु दया निधि दीन दयाल के अंतर में नहीं अंतर आवे। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापत्यै नमः स्वाहा। अधम अभिमानी असुर हिरण्य था वीर भयंकर भारी, देख के हो मोहवन उस नीच ने जल में डुबोई वसुंधरा तारी। शाव सुधा की भी लोक विकल हुए विष्णु शकल दुख हारी, प्रभु ने रूप वराह का धार के दैत्य को मार के धरती उबारी। बोलो वाराह भगवान की जय। नारद जी ने अपना स्वभाव दिखाना आरंभ कर दिया है, वे आपके विरुद्ध जाकर माधवी को विष्णु पुराण की कथा सुना रहे हैं। मैं भी देखता हूं। ओम हरि ओम, हरि सुमिरन सुखदाई सुखदाई, हरि सुमिरन सुखदाई सुखदाई, हरि सुमिरन सुखदाई। पाप विनाशिनी पूजा प्रभु की, पाप विनाशिनी पूजा प्रभु की, भक्ति में शक्ति समाई, हरि सुमिरन सुखदाई सुखदाई, हरि सुमिरन सुखदाई। हिरण्याक्ष ने हर के हाथों मर के मुक्ति पाई, हुआ असुर सम्राट हिरण्यकशिप उसका लघु भाई, पुत्र हिरण्यकशिप का था प्रहलाद सभी का प्यारा, जिसके मन में वही परम पावन हरि भक्ति की धारा। पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयत्न किए कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु की भक्ति न करे। उसने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, किंतु हरि भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डिगे। हो गए प्रयत्न सभी निष्फल, प्रहलाद का अंत न हो पाया, अपने बेटे का वध करने तब स्वयं हिरण्यकशिपु आया। और वो प्रहलाद से बोला, कहाँ है तेरा विष्णु, सामने क्यों नहीं आता? तो प्रहलाद जी बोले, कण कण में हरी समाए हैं, वे बिना बुलाए
आते हैं कण कण में हरि समाए हैं वे बिना बुलाए आते हैं भक्तों पर जब संकट आता वे वही प्रकट हो जाती है भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि दानवपति प्रहलाद पर करने चला प्रहार तभी खंभ को चीर कर हुआ नृसिंह अवतार बोलो नरसिंह भगवान की जय भक्त की रक्षा करने को जो नृसिंह रूप धरे वही प्रभु दुख के सागर से सबको पार करे विष्णु पुराण सुने जो कोई वो भव सिंधु तरे केशव कृपा सिंधु करुणामय जय जगदीश हरे गाओ रे गुण गाओ हरि के जो दुख दूर करे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे
दुखदाई। जन्मे स्कंद तुम्हें से तुम हो स्कंद मातृ वरदायिनी। कात्यायन ऋषि की कन्या बन कहलाई कात्यायनी। सृष्टि संहारक काल विनाशिनी तुम देवी काल रात्रि। गौरांगना महागौरी सर्वत्र अभय की दात्री। सिद्धि दात्री मैया तुम ही रिद्धि सिद्धि की दाता। देवी नव दुर्गा स्वरूपिणी ही जगदम्बा माता। हे जगदम्बा माता, हे जगदम्बा माता। माधवी की रक्षा कराई प्रभु। माधवी की एक ऐसी कठोर परीक्षा है। इन दुखों के आग में ही पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं देवी। पर मैं माधवी के इन दुखों को नहीं देख सकती। जगत जननी हो ना, मां होकर संतान का दुख तुमसे कैसे देखा जाएगा। पर देवी तुम नहीं जानती, तुम्हारी यह दया माधवी के लिए अभिशाप भी बन सकती है प्रभु। हाँ देवी, माधवी अपने सतीत्व के बल से जो कुछ प्राप्त कर सकती है तुम्हारी दया उसे तुच्छ बना देगी। अपने कर्मों की महानता से जो व्यक्ति महान बनता है संसार उसी के गुण गाता है, और दूसरों के दया पर ऐश्वर्य भोगने वाले का इस संसार में कोई आदर नहीं प्रभु। उचित यही होगा कि माधवी को अपने प्रयत्नों से अपने उद्देश्य में सफल होने दो। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। आइए नारायण। सुना है शिव जी ने पार्वती जी को माधवी की सहायता करने से रोक दिया, अब कहिए। भूलते हो अंबोज, सती की महिमा के सामने स्वयं सृष्टिकर्ता श्री हरि नतमस्तक है, फिर हम और तुम किस गिनती में। एक बार माधवी को विष्णु पुराण की कथा सुन लेने दो, फिर देखो क्या होता है। एक ओर तो आप सती के सतीत्व की डींगे हाँकते, दूसरी ओर विष्णु पुराण की महिमा का बखान करते। यदि सती के सतीत्व में इतना ही प्रभाव है आप उसकी सहायता के लिए क्यों दौड़ते। सती को मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सती के आगे कुछ भी नहीं। सती के सतीत्व के आगे तीनों लोग झुकते हैं। यदि यह बात है तो मुझे वचन दीजिए आप माधवी को विष्णु पुराण की कथा नहीं सुनाएंगे। ठीक है, हम वचन देते हैं कि हम माधवी को विष्णु के हुए अवतारों की कथा नहीं सुनाएंगे। अब देखता हूं सती को। नारायण 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 नारायण। प्रभु की प्रीत सुधा सुखकारी, पल पल सकल अमंगल हारी। हरि से वैर भाव विष जैसा, विष को विष पहचानो। हरिद्रोही निज परम मित्र को, मित्र कभी ना जानो। नहीं सुनाऊंगा तो क्या हुआ। माधवी अपने पति के साथ वामन अवतार की कथा सुन रही। नारायण नारायण। दाता याचक के पार खड़ा, विधि कैसी लीला दिखलाए। भगवान दान है मान रहे, निज भक्त से झोली फैलाए। दानव गुरु शुक्राचार्य तभी करते प्रवेश कमंडल में। संकल्प लगा करने बल जब, जल गिरा न उनकी अंजलि में। वामन ने तभी शलाका से एक नेत्र शुक्र का फोड़ दिया। घबरा के शुक्र
शंकराचार्य ने तब जल के उस पात्र को छोड़ दिया, जल के गिरते ही बलि ने अपना संकल्प दान का पूर्ण किया। अंतर्यामी अविनाशी हरि वामन ने रूप विराट किया। पहले पग से पृथ्वी मापी, आकाश दूसरे से मापा, रखने को तीसरा पग प्रभु ने बलि से कुछ स्थान और मांगा। दानवेंद्र बलि ने वामन से कहा झुका कर अपना शीश, अब तो इसी अपावन तन को पावन करिए हे जगदीश। बोलो वामन भगवान की जय। देवों के हित जो विराट हरि वामन रूप धरे, वही प्रभु दुख के सागर से सबको पार करे। विष्णु पुराण सुने जो कोई वो भव सिंधु करे, केशव कृपा सिंधु करुणा मैं जय जगदीश हरे। गाओ रे गुण गाओ हरि के, जो दुख दूर करे हरे, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, गाओ रे गुण गाओ हरि के, जो दुख दूर करे हरे, जय जगदीश हरे। प्रभु आपकी कृपा से माधवी ने आपके पुण्यदायी वामन अवतार की कथा सुन ली, अब आगे और कोई विघ्न आया तो? विघ्न आएगा तो आपके कारण। भगवान आप तो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में प्रमुख हैं, फिर मालूम नहीं पड़ता कि आपने अंबोज को यह वचन कैसे दे दिया कि माधवी को आगे के अवतारों की कथा नहीं सुनाएंगे। फंस गया भगवान, उसकी बातों में फंस गया। आप ही किसी की बातों में फंस सकते हैं, इस पर मुझे विश्वास नहीं आता। मुझे तो लगता है ये भी आपका कोई नाटक है। मैं तो यूं ही दोषी माना जाता हूँ माता। मैं भला मायापति नटश्रेष्ठ प्रभु के आगे क्या नाटक कर सकता हूँ? नारद जी अपनी भूल में मुझे मत लपेटिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि इधर की उधर लगाने में आपकी तीनों लोकों में ख्याति है। भगवान माना मैंने कभी कभार इधर की उधर लगाई होगी, मेरा भी प्राय लगाई है, किंतु वो तो आपके महिमा के प्रचार के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, अभिमान का सर नीचा करने के लिए। किंतु माधवी के बारे में ये सत्य नहीं है, नहीं तो उसके सुख और कल्याण की प्रार्थना के लिए मैं आपके पास कैसे भागा आता? मुनिवर सुख और दुख मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर है। सच्चा मनुष्य वही है जो दुखों की परीक्षा में सफल हो जाए, दुखों की आग में तप कर कुंदन बन जाए। पर भगवान इतना तो बताइए, माधवी अपने उद्देश्य में सफल तो हो जाएगी ना? ये उसके धैर्य और श्रद्धा पर निर्भर है। यदि माधवी इस परीक्षा में सफल हो गई तो सतियों में श्रेष्ठ गिनी जाएगी। सतियों में श्रेष्ठ गिनी जाएगी? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारा जन्म गंधर्व कुल में हुआ है और तुम्हारा अहंकार दैत्यों से भी बढ़ा। मैं भी देखता हूं उस सती को। भगवते वासुदेवाय। ओम आचार्य। माधवी
प्रणाम आचार्य, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। उस दिन मत्स्य अवतार की कथा सुनने के बाद फिर से आगे विष्णु पुराण की कथा सुनने तुम नहीं आए। क्या बताएं आचार्य, हम पर क्या क्या संकट टूटे हैं। अम्भुज ने विष्णु पुराण की कथा सुनने में क्या क्या विघ्न डाले। माधवी, ये विघ्न अम्भुज ने नहीं डाले हैं, तुम्हारे कर्म ही तुमको संकट में डाल रहे हैं। न जाने अभी और क्या क्या संकट तुम पर आने वाले हैं। आचार्य, मैं संकटों से नहीं डरती, मुझे केवल दुख है तो अपने पति की आंखों का। इन्हें दृष्टि मिल जाए। तुम धन्य हो माधवी, मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें वो उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे पति को शीघ्र आंखें मिल जाएंगी। तुम अपने पति को लेकर उत्तर दिशा में गणेश कुंड चली जाओ। उस कुंड में स्नान करके निश्चय ही तुम्हारे पति को दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। धन्य हो आचार्य। पति के दृष्टि प्राप्त हो जाने के उपरांत तुम दोनों विष्णु पुराण की शेष कथाएं सुनकर अपने जीवन को धन्य कर सकोगे। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, किंतु मैं जानता हूं तुम अपने पति के हित के लिए सारी बाधाओं को पार कर जाओगी। आचार्य, माधवी, मुझे आंखें मिल जाएंगी, मैं सब कुछ देख सकूंगा, सब कुछ देख सकूंगा। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अब आज्ञा दीजिए आचार्य। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए स्वामी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। माधवी, तुम्हें आनंदित देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम विष्णु पुराण की कथा सुनना छोड़कर गणेश कुंड की ओर क्यों जा रही हो। क्या बताओ मुनिवर, दुर्भाग्य पग पग पर विष्णु पुराण की कथा सुनने में बाधा डाल रहा है। मैं कब तक अपने पति के अंधेपन का दुख देखती रहूंगी। धैर्य रखो माधवी, यदि तुम अपने उद्देश्य में अडिग रही तो विष्णु पुराण कथा अवश्य सुन पाओगी। तो मुनिवर, आप ही भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, आपसे बढ़कर हरि कथा सुनाने का अधिकारी और कौन है। मैं नहीं माधवी। क्या बात है मुनिवर? बात कुछ नहीं, बात क्या हो सकती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं अम्भुज को वचन दे चुका हूं कि मैं तुम्हें विष्णु के हुए अवतारों की कथा नहीं सुनाऊंगा। पर क्यों मुनिवर, क्यों आपने अम्भुज को ऐसा वचन क्यों दिया? इसलिए कि मुझे तुम्हारे सतीत्व की शक्ति पर विश्वास है, जिसके बल पर तुम बिना किसी की सहायता के अपने उद्देश्य में सफल हो सको। बिना मेरी सहायता के भी मैं उनको अनिश्चित काल तक अंधकार में नहीं रख सकती। मुझसे उनका दुख और नहीं देखा जाता, उन्हें दृष्टि अवश्य मिलनी चाहिए। मैं उन्हें गणेश कुंड अवश्य ले जाऊंगी। मेरी मानो माधवी, तुम गणेश कुंड की ओर न जाओ। मुनिवर, गणेश कुंड का मार्ग तुम्हें सत्यव्रत ने नहीं अम्भुज ने बताया है। क्या अम्भुज ने? हाँ। तो हमारी ये प्रयत्न, ये कष्ट सभी व्यर्थ हुए। मेरे पति को जब पता चलेगा उनके मन पर क्या बीतेगी, अब क्या होगा, मैं उन्हें क्या कहूंगी। गणेशपुर में स्नान करके दृष्टि पाने की बात एक धोखा है, एक निष्ठुर असत्य है। माधवी, ये असत्य नहीं है, तो सत्य ही। गणेश कुंड में स्नान करने पर तुम्हारे पति को आंखें अवश्य मिल जाएंगी, पर गणेश कुंड में स्नान करने पर तुम्हारा पति तुम्हें सदा के लिए भूल जाएगा। माधवी, मुनिवर, अम्भुज चाहता भी यही कि तुम्हारा पति तुम्हें भूल जाए, जिससे तुम दोनों मिलकर विष्णु पुराण की कथा न सुन और न ही तुम्हारे कष्ट दूर हो सके। अब मैं क्या करूं मुनिवर? यही कि गणेश कुंड की ओर न जाओ। नहीं देवश्री, नहीं। पति से दूर रहकर तुम्हारा जीवन असह्य हो जाएगा। मुझ पर विपत्तियों के पहाड़ क्यों न गिर पड़े, उन्हें दृष्टि अवश्य मिलनी चाहिए। मैं अपने पति के सुख के लिए अपने
अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हें गणेश कुंड ले जाऊंगी, अवश्य ले जाऊंगी। धन्य हो माधवी, तुम सचमुच धन्य हो। तुम जैसी महान सती को मैं सतीत्व के मार्ग से नहीं रोकूंगा। जाओ अपने पति को गणेश कुंड ले जाओ और संसार को देखने दो एक सती अपने पति के लिए कितना बलिदान कर सकती है। नारायण तुम्हारा कल्याण करे। नारायण नारायण। माधवी, जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे दृष्टि फिर से मिल जाएगी, मेरा मन आनंद से नाच उठता है। अंधेपन का अभिशाप कितना भयंकर है ये वही जान सकता है जो अंधकार के महासमुद्र में डूबता जा रहा है। अब तुम्हारे पुण्य के कारण ही मैं सब कुछ देख सकूंगा। सूर्य का प्रकाश मेरी आंखों के सामने फिर से जगमगाने लगेगा। सारी सृष्टि के आनंददायी रंग फिर से मुस्कुराने लगेंगे। माधवी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। माधवी, बहुत प्रसन्न हूं। पर तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें आनंद नहीं? ये आंसू कैसे? ये आनंद के आंसू हैं स्वामी, ये आनंद के आंसू हैं। आपको दृष्टि मिल जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए आनंद की बात और क्या हो सकती है? मुझे दृष्टि मिल जाए तो तुम्हें किसी प्रकार का दुख ना रहेगा। मैं सब कुछ देख सकूंगा, सब कुछ कर सकूंगा। मैं शत्रुओं से अपना राज्य वापस लूंगा। तुम्हें कौशल की महारानी के अनुरूप सुख और वैभव प्राप्त होगा। स्वामी, तुम्हें सदा अपनी आंखों के सामने रखूंगा, कभी दृष्टि से ओझल ना होने दूंगा। Thank you.
चिंता न करो बेटी, तुम मेरे आश्रम में हो। पर मेरे स्वामी। क्या हुआ बेटी, कहाँ है तुम्हारे स्वामी? नहीं जानती ऋषिवर, दुर्भाग्य ने मुझे मेरे स्वामी से अलग कर दिया। धीरज रखो बेटी। न जाने मेरे स्वामी कहाँ होंगे। मैं कहाँ हूँ? भद्र, आप मेरे प्रासाद में हैं। आप? मैं कनकपुर की राजकुमारी गुणवती हूँ। आप नदी के तट पर मूर्छित पड़े थे। राजकुमारी माँ गौरी के मंदिर से वापस आ रही थी, आपको देखकर आपको यहाँ ले आई। धन्यवाद। अब आप अपना परिचय दीजिए। मैं कौन हूं? शांत हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शांत हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपके वास्ते इस समय ठीक नहीं, व्यर्थ अपने मन को शांत न कीजिए। पर मैं हूं कौन? समय आने पर सब बातें याद आ जाएंगी। समय का चक्र बड़ा विचित्र, ये पल में राजा को रंग को रंग को राजा बना देता है। राजमहल बिट जाते हैं और झोपड़ियों के स्थान पर राजमहल बनते देर नहीं लगती। तुम दुखी मत हो। ऋषिवर, आपने मुझ पर बहुत उपकार किए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति की खोज में जाना चाहती हूँ। पर तुम उसे खोजोगी कहाँ? जहाँ मेरा भाग्य मुझे ले जाए। श्री विष्णु तुम्हारा मार्गदर्शन करे। तीरथ तीरथ मंदिर मंदिर सती पति की खोज में जाए। सबके पालनहार विष्णु जगदीश्वर हरि से लगन लगाए, जगदीश्वर से लगन लगाए। केदारनाथ बद्री नारायण मथुरा और अयोध्या काशी क्षेत्र सुहावन, जगन्नाथ की पुरी पाप संताप न सावन। तीर्थ तीर्थ फिर रही मांगती पति का दर्शन, मांगती पति का दर्शन। Thank you.
रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। डर नहीं, क्या हुआ? एक पापी मेरे पीछे लगा था। कहाँ है वो? उसे सांप ने काट गया। तुम कौन हो? एक अभागिन, समय की मारी। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लता, इसे अपने साथ ले चलो। आओ, चलिए आओ। राजकुमारी जी, आर्य आपके बारे में पूछ रहे थे। मुझे आने में विलंब हुआ, कहाँ हैं वे? आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकन्या, संकोच न करो, ये कोई पराये नहीं। शीघ्र ही हमारी राजकुमारी का इनसे विवाह होने वाला है और फिर तुम्हें इनकी भी सेवा करनी होगी। राजकन्या, कौन है ये? आर्य, ये बेचारी एक तो ही स्त्री है, इसे अपने साथ ले आई हूँ। अच्छा किया। आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हाँ राजकन्या, न जाने मेरा मन क्यों व्याकुल हो गया है। बीते दिनों का काला अंधेरा कितनी वेदना पहुंचाता है। मैं जिसे खो बैठा हूं उसे पाना चाहता हूं, पर मैंने खोया क्या है, पाना क्या चाहता हूं, यही तो नहीं जानता। जानते हैं, आज मैंने भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा आप भूले हुए दिनों की याद भी भूल जाएं, केवल इस वर्तमान की याद ही आपको रहे। अब जो है उसे सत्य माने और जो बीत गया उसे छूट। नहीं नहीं, अतीत को मैं नहीं भूलना चाहता, मैं नहीं भूलना चाहता। ओ, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? शांत हो आर्य, शांत हो। क्या हुआ? माधवी, तुम जाओ। माला जी, इसकी रहने की व्यवस्था करो। धीरज रखो, शांत हो आर्य, धीरज रखो। स्वर्गीय संगीत है। आर्या, स्वर विलीन हो गए। मुझे लगा मेरा अतीत याद आ रहा है। वो कौन गा रही थी, कौन गा रही थी? आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल रात आर्यन एक स्वर्गीय तान सुनी। यदि आप चाहें तो मैं फिर कभी नहीं गाऊंगी। पगली, मेरा यह अभिप्राय नहीं था। मैं चाहती हूं तुम आर्य के सामने गाओ। आर्य के सामने? हाँ, यदि वर्तमान उन्हें नहीं ले जा सकता तो क्यों ना उन्हें उनका अतीत प्राप्त हो। आप उनका मन अवश्य जीत लेंगी, उन्हें रिझाने का प्रयत्न तो कीजिए। कल मेरा जन्मदिन है, मैं एक बार फिर अपने मन की बात उन्हें सुनाऊंगी। यदि उसमें विफल हो गई? नहीं, अब विफल नहीं होंगी। यदि वे अपना अतीत ढूंढना चाहेंगे
तो फिर तुम्हें ही गाना होगा। मैं गाऊंगी, पर मुझे लगता है आप उन्हें रिझा लेंगी, अवश्य रिझा लेंगी।
आर्य, मुझे लगा मेरी स्मृति लौटने लगी, नहीं, फिर वही अंधकार, वही विस्मृति। तुम्हारे संगीत ने मेरे मन के तार छेड़ दिए। मुझे लगा मैंने वो गीत कहीं पूर्व जन्म में सुना है। कहां सीखा तुमने वो गीत? मुझे लगता है तुम किसी ऊंचे कुल की स्त्री हो। इस अवस्था तक तुम कैसे पहुंची? ये बहुत लंबी कहानी है आर्य। कौन हो तुम ये जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हुआ जाता है। कौन हो तुम? यदि तुमने अपना परिचय दे दिया तो राजकुमारी आर्य के विरुद्ध हो जाएगी, उन्हें फिर दुख का जीवन बिताना पड़ेगा। आज तक तुम ये सोचकर चुप रही हो, क्या अब अपने स्वार्थ के लिए तुम आर्य का अमंगल करोगे? नहीं, नहीं। क्या हुआ? ये गर्भवती है। गर्भवती? इसे इसके पति के पास भेज देना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा पति? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा पति जीवित नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मुझसे ना निकालिए। तो फिर क्या, उसने तुम्हें त्याग दिया? नहीं आ रहे, दुर्भाग्य ने उन्हें आंखों के सामने होते हुए भी मुझसे दूर कर रखा है। हम तुम्हें तुम्हारे पति से मिला देंगे। कहां रहता है वो, क्या नाम है उसका? नहीं बता सकते, इससे उनका अमंगल होगा। क्यों, क्या तुम उसकी पत्नी नहीं जो उसका परिचय मिलने पर उसका अमंगल होगा? क्या तुम उसकी धर्मपूर्वक विवाहिता स्त्री नहीं? आर्य, आर्य पुत्र, इसके पति और पूर्व जन्म से हमें क्या प्रयोजन? यदि ये स्त्री चरित्रहीन है तो इसे हमारे यहाँ से चले जाना होगा। नहीं आर्य, नहीं, मुझे जो चाहे दंड दीजिए पर अपने चरणों से दूर न कीजिए, मुझे अपनी सेवा में रहने दीजिए। तो फिर तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा चरित्र शुद्ध है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ मेरा चरित्र निष्कलंक है। मेरी सौगंध खाकर तुम मुझे दोषी बनाना चाहती हो? यदि तुम निष्कलंक हो तो अपने पति का नाम क्यों नहीं बताती? नहीं बता सकती आर्य, नहीं बता सकती, चाहने पर भी नहीं बता सकती। या बताना ही नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई पति ही नहीं? महाराज, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम जैसी दुराचारिणी स्त्री जाति पर कलंक है। तुम्हें सच्चरित्र लोगों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, माधवी, आत्महत्या करना पाप है और फिर तुम मां बनने वाली हो। क्या पति से ठुकराई हुई शकुंतला ने आत्महत्या कर ली थी? पर मैं तो एक साधारण नारी हूँ, मैं अब जीवन धारण नहीं कर सकती। नारी कभी साधारण नहीं होती, उसकी कोख से भरत जैसे तेजस्वी पुत्र जन्म लेते हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? जीवन से संघर्ष करो, संघर्ष जीवन है। अपने लिए नहीं तो अपने पुत्र के लिए जीना सीखो।
तू क्या कर रही है? हाय हाय हाय, अरे यहाँ पीला रंग डालो, पीला चल आ जाओ, मैं बना दूंगी। माँ मुझे भूख लगी है, ये मिठाइयाँ मैं खाऊं? नहीं बेटा, ये मिठाइयाँ गीता के जन्मदिन की है, दम भूत के बाद यदि पचेंगी तो दूंगी। नहीं माँ मुझे बहुत भूख लगी है। कह दिया ना, मुझे तंग मत करो गोपाल, काम करने दो। फिर तुम मुझे खाने को क्यों नहीं देती हो गोपाल? गोपाल मैं भी कैसी अभागन माँ हूँ, मेरे बेटे को भूख लगी और मैं उसे माँ के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकती। तुमने तो मुझे भूख गई, मत रो मां, मुझे भूख गई है बेटा। माधवी, अरे वो माधवी, कल से गलत खाद भर कर चिल्ला रही हूँ, सुनती क्या नहीं? डहरी लगी है क्या? क्या कर रही थी? मैं आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथ रही थी? पूर्णिया कब बनेगी, मिष्ठान कब बनेगा, ब्राह्मण मंडली आ जाएगी तो उन्हें क्या खिलाऊंगी? तेरा फिर क्या अपना फिर? मुझसे जितना हो सके मैं कर रही हूँ। मेरे मुंह लगती है काम क्यों करेंगी? ये क्या चोरी चोरी अपनी बच्चे को लड्डू खिला रही है? मुझे क्या कहेंगी? क्या हो तुझे बता दू, ये लड्डू तेरे लिए बना के रखा गया है तो खा रहा था? हाँ मेरे कोई मिठाई लेकर मैं सच के तो मुझे माता मेरे बच्चे पे हाथ मत लगा। क्या रे बड़ी है एक बच्चे वाली, समझा भोजन न खाना तो मैं तेरा खून ले लूं। चल गीता, देवी आ गई। मुझसे माधवी का दुख नहीं देखा गया प्रभु, इसलिए मुझे उसकी सहायता करने जाना पड़ा। दया नारी के हृदय का आभूषण है, पर देवी यह तो तुम जानती हो कि मैं अपने भक्त के कारण वचनबद्ध हूँ, इसलिए जब तक माधवी अपने पति के साथ विष्णु पुराण की पूरी कथा नहीं सुन लेती वो यूं ही दुखी रहेगी।
पर भगवान, मैं उसे यूं दुखी नहीं देख सकती। तो क्या तुम समझते हो कि मैं उसके दुख से दुखी नहीं हूँ? किंतु यही दुख तो मनुष्य जीवन की कसौटी होते हैं। सती अपने सतीत्व के बल से इस कसौटी पर खरी उतर जाए तो देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाए। भगवान, सब उपाय करके थक गई। पूजा पाठ जप तप दान यज्ञ सब व्यर्थ हो गए। अब आप ही कोई उपाय बताइए। राजकुमारी, भगवान के नाम स्मरण से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रभु राम की कथा सुनने और सुनाने से सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। एक बार राम कथा का आयोजन करके देखो, संभव है राजा की स्मृति लौट आए। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, मैं ये भी करके देखूंगी। नारायण, राम कथा। माँ, माँ। क्या है बेटे? देखो सब राम कथा सुनने जा रहे हैं। चलो मामा, हम भी चलें। राम कथा कहाँ? राजमहल में। पुत्री, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर उस श्रेष्ठ विष्णु पुराण का श्रवण करो जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने सुनाया था। चलोगी ना माँ? हाँ हाँ चलूंगी। मेरी अच्छी माँ। जब तक सूरज चंद्र गगन में और गंगा में पानी, तब तक रहेगी इस धरती पर राम की अमर कहानी। बड़ी पावन श्री राम की कहानी है, बड़ी पावन श्री राम की कहानी है। ये कहानी बड़ी ही सुहानी है, ये कहानी बड़ी ही सुहानी है, बड़ी पावन श्री राम की।
भी पिताजी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा और मैं भी लवकुश की तरह वीर बनूंगा, फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा बेटे। ये दुस्साहस तुमने क्यों किया? यदि ये सांप तुम्हें काट लेता तो? महाराज, मेरी माँ कहती है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान विष्णु का ध्यान करने से कोई आपत्ति नहीं आ सकती। बालक, बालक। बालक, ना जाने तुमने मुझ पर क्या मोहिनी डाल दी है। तुम्हें देखकर मेरे निराश जीवन में आशा का संचार होने लगा है। महाराज, मेरी माँ कहती है, जीवन में कभी निराश ना होना चाहिए। भगवान विष्णु सबकी आशाएं पूरी करते, वही सब बिछड़े हुओं को मिलाते। आप निराश क्यों हैं? आपका भी कोई बिछड़िया? मुझे लगता है बालक, मेरा सब कुछ खो गया है। आप चिंता ना कीजिए महाराज, भगवान विष्णु पर भरोसा रखिए। भगवान विष्णु आपका खोया हुआ आपको वापस दिला देंगे। सामने मंदिर में भगवान का कीर्तन हो रहा है, चलिए महाराज, हो सकता है आपका खोया हुआ साथी आपको वापस मिल जाए। द्वापर युग में जन्म लिया प्रभु ने, हरने को धरती का भार। कृष्ण मुरारी बनवारी गिरिधारी हरी, विष्णु के पूर्णावतार। कृष्ण बोलो, बोलो बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो हे हरि। कीर्तन का अमृत जीवन में घोलो हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो। या देव की माई से जिसने मथुरा धाम में, जन्म लिया देव की माई से जिसने मथुरा धाम में, जसुदा के अंगना पलना झूले हरि गोकुल गांव में। ब्रिज का दुलारा जो था दुलारा जो था आंखों का तारा, ब्रिज का दुलारा जो था आंखों का तारा जो था, उसी का भजन करो पावन होलो हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो।
बाल संग बाल पने में जिसने चराई गई यहाँ ग्वाल बाल संग बाल पने में जिसने चराई गई या बना गोपियों का प्यारा जो नटखट किसने कन्हैया कंस को जिसने मारा जिसने उबारा उसकी भक्ति के जल से मनवा को धोलो हरी बोलो रे कृष्ण बोलो 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 रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो बोलो गाए युद्ध क्षेत्र में जिसने सारथी वेश में गीता गाए युद्ध क्षेत्र में जिसने सारथी वेश में कर्म योग का ज्ञान भरा है जिसके हर उपदेश में ईश्वर अविनाशी जो है घट का वासी जो है सब में उसी को देखो नयन मन के खोलो हरि बोलो रे कृष्ण बोलो 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 रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो 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 रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो छोटी सी आयु में जो शिक्षा दी है वो सराहनीय है। आज तुम्हारे पुत्र के कारण मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। माँ, भगवान विष्णु का नाम लेते महाराज की ओर जाता हुआ एक भयानक सा वापिस लौट गया। बेटे, तुमने स्वामी की रक्षा करके
मुझ पर बहुत उपकार किया। स्वामी महाराज हम सबके स्वामी हैं। तुम्हारे पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना पुत्र ही मेरी गोद में बैठा हो। इसने एक ही दृष्टि में मेरे मन को मोह लिया। ये इसका सौभाग्य है महाराज। चलो बेटा। अच्छा बालक, नारायण नारायण प्रणाम मुनिवर। अब कुछ सुना था महाराज, अब माधवी को केवल श्री विष्णु के अंतिम अवतार की कथा सुननी शेष है, फिर तुम उसका कुछ भी अमंगल नहीं कर सकते, कुछ भी अमंगल नहीं कर सकता। देखते जाइए मुनिवर, मैंने माधवी के लिए जो दंड निश्चित किया है वो कितना भयंकर, किंतु ये भी सोचा है उस दंड का परिणाम कहीं तुम पर उल्टा ना पड़े। माधवी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, पर मैं उसका क्या कर सकता हूं वो आपको तत्काल दिखाई देगा। बस मां अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मेरा पेट भर गया। नहीं बेटा और थोड़ा खाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा कैसे होगा। मैं बहुत खाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा। बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। तो मैं और खाऊंगा, बहुत खाऊंगा, बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करूंगा। अच्छा मारो, मारो,
कभी अब विष्णु के अवतारों की कथा सुन पाएगी और न तुम्हारे नारायणी उसकी रक्षा कर सकेगी। माधवी विष्णु के अवतार की कथा अवश्य सुनेगी। सुनाएगा कौन? मैं सुनाऊंगा। पर आप तो मुझे वचन दे चुके हैं कि आप माधवी को विष्णु के अवतारों की कथा नहीं सुनाएंगे। भूलते हो अंबोजराज, मैंने तुम्हें यह वचन कदापि नहीं दिया। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें यह वचन दिया था कि विष्णु के हुए अवतारों की कथा नहीं सुनाऊंगा और विष्णु का दसवां अवतार कल्कि अवतार अभी होना बाकी है, उसकी कथा मैं माधवी को सुना सकता हूँ। नारायण नारायण नारायण। मुझसे ये धोखा, ये छल। नारद जी, मैं आपकी ये चाल सफल नहीं होने दूंगा। मैं आपको यहां से जाने ही नहीं दूंगा। फिर आप कथा सुनाएंगे तो कैसे? क्या माधवी के जीवन का अंधकार बन जाए? राजकुमारी जी, स्त्री ने हमारे बच्चों को मार डाला है। इसने तुम्हारे बच्चों को मार डाला? हाँ राजकुमारी, हम आपसे न्याय मांगने आए हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। इस बाल घात्री को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बाल घात्री? पर ये कैसे संभव है? ये कुछ भी कर सकती है, ये अपने बच्चे के भी प्राण ले सकती है। बिना पति के माँ बनने वाली कुलटा के लिए क्या संभव नहीं? नहीं नहीं महाराज, ऐसा न कहिए। आप मुझे कोई भी दंड दे दीजिए पर मुझे उल्टा न कहिए। तुम्हारा ये नाटक हमारे मन में दया का संचार नहीं कर सकता। तुम जैसी उल्टा को पहले ही दंड दिया जाना चाहिए था। मैं उल्टा नहीं, मैं केवल अपने पति के मंगल के लिए उनका नाम नहीं बता सकती। इस समय तुम न्यायालय में हो, इस समय तुम्हारा पति भी तुम्हें यही आज्ञा देता कि सच को सिद्ध करने के लिए उसका नाम बता दो। बोलो माधवी, यदि तुम सचमुच निर्दोष हो तो आज तुम्हें अपने पति का नाम बताना ही पड़ेगा। इस न्यायालय में सत्य की पराजय न हो इसलिए तुम्हें अपने चरित्र को शुद्ध प्रमाणित करने का अवसर दिया जाता है। बोलो, तुम्हारा पति कौन है? महाराज, यदि तुम्हारा कोई पति है तो तुम्हें सौगंध है उस पति की। बताओ उसका नाम क्या है? मुझे मेरे पति की सौगंध देकर उनका नाम बताने पर विवश करते हैं तो सुनिए, मैं अपने पति की ही सौगंध खाकर कहती हूं, महाराज ही मेरे पति हैं। मैं इनकी धर्मपूर्वक विवाहिता पत्नी हूं। दुर्भाग्य के कारण ये मुझे भूल गए हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए, पुत्र वियोग ने मुझे पागल बना दिया है। पर मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। तुम्हारा ये साहस? अपने अपराध के दंड से बचने के लिए तुम आर्य पुत्र वैसा घृणित लांछन लगा रही हो? छी 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 छी, एक स्त्री अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकती है? इस दुराचारिणी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए जिससे ऐसी स्त्रियों का मन कांप उठे और कोई भी ऐसा दुष्कर्म करने का साहस ना कर सके। ठीक है, इस दुराचारिणी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ले जाओ। स्वामी, स्वामी, आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है? दुर्भाग्य ने मुझसे मेरे बच्चे को अलग कर दिया, अब आप भी मुझसे मुंह फेर रहे हैं। आपसे तो कभी भी मेरा कोई भी दुख देखा नहीं जाता था, फिर इस भयंकर संकट में आप चुप क्यों हैं? क्या कीजिए स्वामी, मैं आपकी माधवी हूँ, आपकी विवाहिता पत्नी। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। तुम मेरी कोई भी नहीं, ये सब झूठ है। यदि ये सब झूठ है तो सारा संसार ही झूठ है। धर्म अधर्म पाप पुण्य सब कुछ झूठ है। मनुष्यों के दुखों पर हंसने वाला परमात्मा भी झूठ है, पत्थर है।
जगवाले तुझको कुछ भी कहे मैं कहती हूँ तू है पत्थर। Thank you.
धारण करने वाले ईश्वर, ओ चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु, तू है पत्थर, तू है पत्थर। बुझ जाएगा ये सूर्य चंद्र तारों का प्रकाश, हो जाएंगे ये खंड खंड धरती और आकाश। जब भीषण कलयुग आएगा, जब पाप ही पुण्य कहाएगा, उल्टे होंगे जब काम सभी, भूलेंगे प्रभु का नाम सभी। हरने को धरा का भार, हरने को धरा का भार, हरने को धरा का भार हरी, तब लेंगे कल के अवतार हरी, तब लेंगे कल के अवतार हरी। कर में कृपाल को धार प्रभु, और अश्व पे हो के सवार प्रभु, धारण कर श्वेत वस्त्र तन पे, दर्शन देंगे ब्राह्मण बन के। हर नेक धरा का भार हरी, तब लेंगे कल के अवतार हरी, तब लेंगे कल के अवतार हरी। बोलो कल के भगवान की जय।
माधवी, मुझे मेरे पापा का पता मिल गया। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दो माधवी, मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण करे। माधवी, मैं तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम इस कठोर परीक्षा में पूरी उतरी, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। आपकी कथा सुनने में कभी किसी को कोई संकट ना आए। तथास्तु माधवी, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो। युग युग में जो भक्तों के हित रूप अनेक धरे, वही प्रभु दुख के सागर से सबको पार करे। विष्णु पुराण सुने जो कोई वो भव सिंधु करे, केशव कृपा सिंधु करुणा मैं जय जगदीश हरे हरे। गाओ रे गुण गाओ।